Good morning, fourth standard students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Okay, देखिए आज हम आपकी यूनिट टू स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट टू में जो आपका फर्स्ट लेसन है वो है नोजेस. देखिए नोजेस, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि ये जो पोएम है ये किसके बारे में है, नाक के बारे में है. इसमें इस पोएम में नाक को इतना अच्छे, इतने फनीस्ट वे में डिस्क्राइब किया गया है कि आपको भी सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है. ओके कम ऑन, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने जैसे खुद को दर्पण में देखा. मिरर मतलब दर्पण या अड़ीसा जिसको बोलते हैं वो, ठीक है. एंड लुक्ड एट माई नोज, और मैंने अपनी नाक को देखा. इट्स द फनीएस्ट थिंग, उसने कहा कि अरे ये तो मुझे बहुत ही फनीएस्ट मतलब बहुत ही मज़ेदार चीज़ लगती है. द वे इट ग्रोस, जैसे ये बढ़ती है, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, और जहाँ ये दिखती है वहीं पर ये चिपकी रहती है, मतलब इधर उधर हिलती भी नहीं है. विथ टू लिटल होल्स एंड वेयर देयर द ब्रीदिंग गोस, और इसमें दो छोटे छोटे छेद हैं जहाँ से हमें सांस आती है. ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना, है ना. आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर, और फिर से मैंने अपने आप को मिरर में देखा, और मैंने फिर से देखा द एंड ऑफ माई चिन, और मैंने उसमें देखा कि अपनी ठुड्डी का अंत, मतलब चिन मतलब ठुड्डी होती है ना जो उसको बोलते हैं चिन, CHIN चिन, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और मैंने अपनी ठुड्डी को देखा और अपने बालों की शुरुआत की जगह को देखा. एंड बिटवीन देयर, उन दोनों के बीच में इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज, और मेरी नाक की वजह से वहाँ पर तो जगह ही नहीं बची थी. मैंने क्या देखा कि मेरी जो नाक है वो बालों से लेके और मेरे चिन तक में नाक की वजह से मेरे फेस पर तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी. बड़ी फनी स्टोरी है ना बच्चों. इफ़ एवर यू वांट, आप कभी भी खुद को देखो तो टू गिगल एंड शाउट. गिगल, गिगल का मतलब होता है यहाँ पे टू लाफ लाइक अ क्लाउन, मतलब अजीब तरीके से हंसना. अजीब तरीके, गिगल मीन्स अजीब तरीके से हंसना और ज़ोर से चिल्लाना, है ना. शाउट का मतलब होता है चिल्लाना. एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट, और आप है ना ये सोचो कि हम मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको, नाक को हटाने के लिए. पर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कि हम उसे हटा ही नहीं सकते हैं. जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट, और फिर मैंने वापस जब खुद को दर्पण में देखा तो इसमें कोई भी डाउट नहीं था. यू विल सी हाउ फनी योर नोज़, और मैंने सच में देखा कि जो मेरी नाक है वो कितनी ही फ़नी चीज़ है, और जो हमेशा से मेरे से चिपकी हुई है और अपनी जगह से हिलती भी नहीं है. स्टिक्स आउट, इजंट इट बच्चों, ये बहुत फ़नी है ना. नाउ अगेन आई रिपीट दिस पोएम. आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there, isn't it much funny space to spare with my nose, like a handle sticking here. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then, no doubt, you will see how funny your nose stick out. है ना, कभी कभी लगता है ना अजीब अजीब noses होती हैं. सभी लोगों की जो noses होती हैं वो different shapes में होती हैं, sizes में होती हैं, और जो face पे से पता है बच्चों सबसे ज़्यादा दिखाई देती है वो क्या होती है, nose ही होती है, और sometimes वो बहुत ही funny भी लगती है ना. Okay, I hope आपको मज़ा आया होगा ये noses वाली पोएम सुनने में. ओके थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर.